डरो मत बालके, ये हम हैं। कौन हम? वही जिनसे तुम अभी तक बात कर रही थी, तुम्हारे कान्हा जी। ओह कान्हा जी, एक्चुअली क्या है ना कि आज तक हमारी चैट सिर्फ वन साइडेड रही, तो मैं आपकी आवाज नहीं समझ पाई, लेकिन अब समझ गई हूँ। मैं कितनी लकी हूँ कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। तुम बहुत लकी हो, इसीलिए तो तुम्हें मेरे इसीलिए तो तुम्हें इतना अमेजिंग स्मार्ट और डैशिंग पति मिला है। क्या डैशिंग? नहीं नहीं, ठीक सा ही है। ठीक सा? तुम्हें पता है पूरे राजकोट की लड़कियां अपने वॉलेट में उसका फोटो रखती हैं, और जब मेरी आरती करती हैं तो मुझसे कहती हैं कि हम सबको उसके जैसा ही पति मिले, और उसकी इंटेलिजेंस, उफ। इंटेलिजेंस? मुझे नहीं लगता इंटेलिजेंट है, क्योंकि चोरी करता है ना तो पकड़ा जाता है। हैंड्स अप, चुपचाप अपने हथियार गिरा दो और बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है अजीब राजवंश। अच्छा, एंग्री चोरनी बनी एंग्री पुलिसमैन? हाँ, नहीं तो क्या। अच्छा जोक सपाट, हमें कू के लिए स्मूदी बनानी है, वो भी उठती होगी, चलो मेरी हेल्प। अच्छा एक सेकंड, मतलब हमारा बेबी अगले 9 महीने सिर्फ वो घास फूस सिखाएगा जो कू खाती है? हाँ कम ऑन, अभी टाइम नहीं है, चलो। ओके पार्टनर, पार्टनर प्लीज मेरे बेबी से कहना कि एक बार वो बाहर आ जाए ना तो मैं उसे सिर्फ आमरस और पूरी खिलाऊंगा। ओके बच्चे चलो काम पे लग जाओ। बिनबा, बिनबा आपकी चाय रख दो। मीनू बेन, हाँ आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये राजकोट बैंक में मेरे 50 लाख के FD है, ये पासबुक अपडेट करा लो ताकि मैं वो 50 लाख के FD ट्रांसफर कर सकूं। हस्बैंड जाओ ने पूछो 50 लाख किसके नाम होने वाले हैं। मीनू बेन लाइए, मैं फॉर्म ला दूंगा। हस्बैंड जाके पूछो ना, मुझे जानना है कि ये 50 लाख किसके नाम पे होने वाले हैं। आप भी ना अपना थोड़ा सा दिमाग चला लो, वरना पता चला एक दिन बिनबा ने सब कुछ अपने असली वारिस को दे दिया और हम हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे। तू हाथ मल, मैं चल चला चल। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? स्पेशल नाश्ता। लेकिन पराठा, ढोकला, पोहा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कैसा नाश्ता है? क्योंकि ये नाश्ता कुकू के लिए है। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अभी उन दोनों को बुला के लाती हूँ। ओके थैंक्स मासी। और कह रहे क्या? अभी तक तो बेबी हुआ भी नहीं है और तुम मुझे ऑलरेडी भूल चुकी हो। कुकू के लिए इतना कुछ बना रही हो और मुझे भूल गई? ऐसा कभी हो सकता है क्या? पेश है मेरे खास से आम लवक के लिए खास सी मैंगो स्मूदी, और वो भी चीनी के साथ। ये तुमने कब बनाई? बस बना ली। नॉट बैड एंग्री चोरनी। अभी कल रात को जिस तरह से तुमने अपने दर्द को शेयर किया ना, उसके लिए थैंक्स। अब तक तुम मेरी ताकत थे ना, अब मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहती, और इस बार कुछ भी हो जाए मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, क्योंकि जब मैं कमजोर पड़ती हूँ ना तो अपना सामान पैक करके बस अड्डे पहुंच जाती हूँ। डोंट वरी मिस्टी, हम हमारा भी ख्याल रखेंगे और कुहू का भी, और उसे खुश रखेंगे ताकि फिर से वो ऐसे घर से भागने वाला डिसीजन ना ले। यस। अभी ये प्रसाद ले लो। मां रख दीजिए, मैं खा लूंगा। मां, लाइए मुझे दे दीजिए। थैंक्स मां। मीनू बेन, हाँ ये रहा वो FD ट्रांसफर फॉर्म जो आपने मंगवाया था। पूछ लो। कहां ध्यान है तुम्हारा? मैंने FD ट्रांसफर फॉर्म नहीं मांगा था, रेन्यूअल फॉर्म मांगा था। आउच। हैं? मिस्टी, आराम से।
ठीक है मीनू बहन, मैं दूसरा फॉर्म मंगवा देता हूँ। रहने दे। कैसी है गुड़िया रानी? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए कि ये सब कैसा है? अरे वाह, शाबाश। ये एक मिनट मिश्री, सुनिए क्या लिखा हुआ है, टीम कुकू। ये टीम कुकू क्या है? मौन बड़ी माँ, कुकू मतलब कुनाल पेस्कू। ओहो, अच्छा 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 है। अच्छा बड़ी माँ, मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ बोलना। मैंने कुकू के लिए स्मूदी बनाई है, इसमें मैंने दही, फ्लैक्सीड और हनी डाला है। वैसे ऑनलाइन चेक किया था, सब कुछ सेफ है प्रेगनेंसी में, लेकिन सोचा कि एक बार आपसे भी पूछ लूं कि कुकू के लिए सेफ होगा ना। बिल्कुल सेफ है। बड़ी माँ, मैं तो लाइफ में कभी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं 9 महीनों को कुकू के लिए जितना कंफर्टेबल और आसान हो सके ना बना दूं, इसलिए मैं अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी सीट बेल्ट कस लें, क्योंकि मैं आपसे आपको दिन में 4-4 बार फोन किया करूंगी, हर छोटी छोटी बात पे। 3-4 बार फोन करेगी तू मुझे? ओहो चल ठीक है, कर लेना। अच्छा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, मैं मासी और मामी से पूछ लूंगी। अच्छा जी, धमकी दे रही है मुझे। ठीक है तो उनसे भी पूछ लेना, लेकिन सुन मुझे भी टीम कुकू में रखना। आप तो टीम कुकू की कैप्टन है। लेकिन बड़ी माँ सच बताऊं तो मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने आपको फोन किया और परेशान भी बही हुई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। देख बेटा, वर्षा की चिंता अपनी जगह जायज है, और जानती है वो चिंता सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे कुहू की चिंता है। और जब वर्षा को पता चलेगा ना कि तू कुहू का इतने अच्छे से ख्याल रख रही है और उसमें मेरी भी मदद ले रही है, तो उसकी चिंता अपने आप ही कम हो जाएगी। पर तू छोड़िए सब मत सोच, बस तू अच्छे से कुहू का ख्याल रख। और हाँ, जब भी मेरी जरूरत पड़े ना 2-3-10 बार फोन कर लेना मुझे। थैंक यू बड़ी माँ। मिशी एक बात कहूँ बेटा, कहते हैं कि जब बच्चा आने वाला होता है ना तो माँ के चेहरे पे एक अलग ही रौनक आ जाती है। मेरे भी वो रौनक आई थी जब अक्षरा होने वाली थी, और वर्षा की भी आई थी जब अनन्या होने वाली थी, लेकिन ऐसी रौनक मैंने आज तक किसी भी माँ के चेहरे पर नहीं देखी है। थैंक यू बड़ी माँ, ठीक है रखती हूँ, बाय। खुश है बेटा। वर्षा, मैं सोच रही थी कि कुहू के लिए मेथी के लड्डू बनाकर भेज दूं। और याद है तुझे, जब अनन्या होने वाली थी मैं रोज तुझे केसर वाला दूध पिलाया करती थी। ऐसा करूंगी, मिश्री से कह दूंगी, वो रोज कुहू को केसर वाला दूध पिला देगी। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कुहू जो कर रही है आपको सही लग रहा है? सही है या गलत है, लेकिन सच ये है कि ये हो रहा है, और इस सच को जितनी जल्दी हम सब एक्सेप्ट कर लेना हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। कुहू ने तो अपना फैसला ले लिया है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, फिर ऐसे समय में उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? नहीं माँ, कुहू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है, और मैं उसका ऐसे में बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। बेटा ये तो समय ही बताएगा कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन एक बात मैं अभी तुझे बता देती हूँ वर्षा, ये जो तू कर रही है ना, ऐसे समय में अपनी बेटी से बात ना करना, बहुत गलत कर रही है तू। खैर ठीक है, तुझे जो ठीक लगता है तू कर, खुश मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे नाजुक समय में अपनी पोती के लिए जो कर सकती हूँ जरूर करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर नहीं सकती, ना करना नहीं चाहती, करूँ तो करूँ क्या? कुहू आराम से। #thankyou मिष्टी। सुन तुमने माँ को कहीं देखा क्या? हाँ अभी अभी तो यही थी, मामा जी से कुछ बैंक के काम से रिलेटेड कुछ बातें कर रही थी। अच्छा ठीक है, तू ब्रेकफास्ट टेबल पे चल, मैं आ रही हूँ, ठीक है आराम से। बैंक का क्या काम? क्या वो मुझे और कुणाल को हमारा हिस्सा दे रही है? अगर ऐसा है तो मैं मॉडलिंग के लिए 1 साल बाद ट्राई कर लूंगी, एटलीस्ट कुणाल को उसका हक तो मिल जाएगा। ब्रो ऑल ओके?
हाँ ब्रो, मैं कुछ सोच रही थी, बट हैशटैग नथिंग इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो, मैं देखती हूँ। भाई मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ नान को? कू भी ऐसे खोई खोई सी थी। माँ ने कुछ कहा क्या? मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं भाई, माँ ने कुछ नहीं कहा है, वो एक्चुअली। अब मैं भाई को कैसे बताऊँ कि कुहू बेबी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जगह मॉडलिंग के बारे में सोच रही है। अगर उसने कोई स्टूपिड सा स्टेप ले लिया तो। नान को? नहीं सॉरी, वो भाई मैं एक्चुअली कुहू की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन में था। लेकिन आई नो वो ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है भाई। अगर तेरी लाइफ में टेंशन है ना, तो तेरा भाई अबीर भी है। सिर्फ तुझे ही नहीं, इस पूरे घर को थोड़े फन की जरूरत है। चल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे। अरे नहीं नहीं, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। तेरे पास ट्रिमर है ना? हाँ चल चल। क्या हुआ कू? ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, देखना मैं खा रही हूँ। देख अच्छा है तो और लेना। अरे अच्छे से खा। टीचर इस ब्रेकफास्ट को खाने से तो अच्छा है कि मैं। गुड बॉय उमा पटेल, माय लव, मैं तुम्हारे साथ अपने सपनों का ऑफिस सजाना चाहता हूँ, जहाँ पे फाइलें और बोर्ड मीटिंग्स के अलावा किसी भी चीज की जगह ना हो। और हाँ, वो जो मिस्टर भट्ट के साथ मेरी लाइफ की 937 मीटिंग ऑर्गेनाइज थी, उसका क्या? जल्दी करो उमा पटेल, जल्दी करो, मैं और बोर होने के लिए तड़प रहा हूँ। घूम के क्या कर रही हो भाई? हेयर स्टाइल बदल गया, फिर भी आंखों में वही इंटेंस लुक है। उनसे लड़ाया हूं फिर से। जाने दे मुझे कि मेरी टिकट बुक है। नॉट फेयर भाई, नॉट फेयर, नॉट फनी भाई, नॉट फनी। आप 19वीं बार घर छोड़ के नहीं जा सकते भाई। जाने दे नान को, बस की छत मुझे बुला रही है, मैं आ रहा। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं। मासी कोई कहीं नहीं जाएगा, आ जा बस। आप क्या बनी है? और ये तुमने मेरी शर्ट पहनी? हाँ तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? हाँ और तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म की तरह ब्लेजर्स क्यों पहनते हो? और तुमने उमा पटेल का मजाक क्यों उड़ाया? हेलो उमा पटेल माय लव। कू तुम ठीक हो ना? यस। तो हम सब भी ठीक है। माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या हुआ? ऑल ओके? शो या या मिष्टी मेरा बैग मत चुराना ओके? हाँ वैसे भी बहुत भारी है, तुम्हें पकड़ो। और ब्रो मैं घर से 19 बार भागा हूँ। और नहीं तो क्या ब्रो? इट्स रॉन्ग, मैं 21 बार गया हूँ। वेल डन गर्ल्स, तुम लोग बहुत फनी थे, स्पेशली मिष्टी, तुम्हारा वो जो इंटेंस लुक था ना, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू थैंक यू। अगर तुम मेरी फीलिंग समझते तो ऐसा नहीं कहते। अभी सब इतने हैप्पी है, माँ को भी हैप्पी होना चाहिए। एक बार माँ से बात कर लेती। जसमीत चाची। हाय चाची। चाची मम्मा मानी क्या? कुहू मैंने तुझे कहा था ना कि वर्षा भाभी इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। वैसे एक बात कहूँ, ताई जी ने मुझे तेरे लिए गाय के घी का हलवा बनाने को कहा है, वही बना रही हूँ। आपको और दादी को आज तक बिग थैंक यू, पर मम्मा कब तक नाराज रहेंगी? पता है वो पूरे सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर रही है, तब यहाँ पे इतने खुश हैं और मुझे इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। पता है कल मुझे गिफ्ट में कंगन भी मिले, और आज भी ब्रो और मिष्टी ने मेरे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया था। अच्छा और तेरी सास ने तेरे लिए क्या किया है? चाची आप और मम्मा ना मुझे बच्चा ही समझते हो, पर आज तक आई एम नॉट स्टूपिड। देख लेना एक दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने जो कुछ भी किया है उसी में सबकी भलाई थी, और तब आप मेरी इतनी तारीफ करोगे, इतनी तारीफ करोगे जितनी तारीफ आपने कभी एसआरके की भी नहीं की होगी। अच्छा ऐसा कौन सा तीर मारा है तूने, जरा मुझे भी बता। तीर तलवार सीटी कुछ नहीं मारा है। हैशटैग बाय चाची।
ओ हैशटैग की बच्ची। देख मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपना ख्याल रखे। कुहू एक बात कहूँ, आम तो सभी खाते हैं लेकिन गुठली को कोई घर में सजा के नहीं रखता। ऐसा ना हो कि ये लोग तुझसे काम निकलवाने के बाद तुझे साइड पे फेंक दे। मैं इसलिए कह रही हूँ तो अपना ध्यान रख। मिस्टर मेहता, थैंक यू। भाई हमारे एक क्लाइंट है, उनके नए होटल की ओपनिंग है आज, तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है तो हम सबको जाना चाहिए। ग्रेट, हम सब चलेंगे। हाँ मैं भी चलूंगी, मैं अपनी नई वाली ब्लू ड्रेस पहनूंगी। कुहू बेटा, इस हालत में तुम्हारा बाहर जाना सही रहेगा? अरे सब सही रहेगा पारुल, मैं दो दिन खाए बिना रह सकती हूँ लेकिन आज पार्टी में जाए बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। ब्रो मासी सही कह रही है, सबने मास्क पहना होगा वहां पे, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक तुम्हें जाना चाहिए, कोरोना का भी डर है ना। करेक्ट कुहू, अगर आज की पार्टी तुम अवॉइड करो तो बेटर होगा। अरे ये क्या बात हुई, मतलब पूरे घर में मैं अकेली रहूंगी क्या? अकेली क्यों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। थैंक्स पारुल। और मैं और मिष्टी भी यहीं रुक जाएंगे, हम घर पे ही अपनी छोटी सी पार्टी कर लेंगे। लेकिन अबीर, मिष्टी रेड पेयर कंपनी की ओनर है, इसलिए मिष्टी का जाना तो बहुत जरूरी है। अगर वो तुम्हारे बगैर अकेली गई तो बहुत अजीब लगेगा। आम तो सभी खाते हैं लेकिन गुठली को कोई घर में सजा के नहीं रखता। ऐसा ना हो कि ये लोग तुझसे काम निकलवाने के बाद तुझे साइड पे फेंक दे। आप दोनों जाइए ब्रो, मैं ऊपर जाके रेस्ट कर लूंगी। नानको हम एक घंटे में वापस आ जाएंगे, तब तक प्लीज तू संभाल लेना। ठीक है भाई, थैंक्स। थैंक यू पारुल, बिजनेस तो कुणाल संभाल ही लेगा लेकिन मैं चाहती हूँ कि अबीर और मिष्टी भी बिजी रहे। उन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुहू जिस बच्चे को जन्म देने वाली है उस बच्चे पर मिष्टी और अबीर का हक कम है। नहीं बेंबा, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, ये कारोबार अबीर का भी तो है। बच्चे के आने पर कुहू से किया वादा जरूर पूरा करूंगी, पर अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए अबीर को आपकी बात समझनी ही होगी। पारुल मिष्टी चलें। बस दो सेकंड अबीर, कैसी लग रही हूँ? क्या इतनी दूर से समझ नहीं आ रहा, जरा पास आना। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं कुहू से पूछ लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही आ जाता हूँ। क्यों तुम्हारी दूर की नजर कमजोर हो गई है? जब तुम ऐसे तैयार होके आती हो ना तो मेरे दूर की नजर क्या, मेरा दिल भी कमजोर हो जाता है। तो फिर डार्क चॉकलेट खाओ, हेल्दी हार्ट के लिए जरूरी है। मेरे लिए तो सिर्फ मेरी मिष्टी जरूरी है। अभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों वो क्या कहते हैं उसे, क्वारंटाइन कर लेते हैं साथ में, सेफ भी रहेंगे और पास भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।